गैस ऑफ वॉल्यूम सिक्स थाउजेंडी क्यूबिक सेंटीमीटर एंड एट अ प्रेसर ऑफ हंड्रेड किलो पास इस कंप्रेस क्वासी स्टेटिकली अकॉर्डिंग टू दीवी टू पी वी फॉर टू इक्वल टू कंस्टेंट अंटिल द वॉल बिकम्स टू थाउजेंड क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एंड दर्क ट्रांसफर देखो एक जूता है आपका क्या है ये जो था गैस है इसमें गैस इस सिस्टम में गैस फील्ड है ठीक है और यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है आपका वॉल्यूम जो है कितना है सिक्स थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर है और इस गैस को क्या किया जा रहा है अब कंप्रेस किया जा रहा है गैस को कंप्रेस किया जा रहा है गैस कंप्रेस तो आपका फाइनल प्रेशर कहीं इतना आया ठीक है ये हमारा फाइनल प्रेशर जो कि जिसकी वॉल्यूम आपका इनिशियल और ये फाइनल है जो कि अब कितना है टू थाउजेंड आपका टू थाउजेंड जोता है क्यूबिक सेंटीमीटर है ठीक है और उसका जोता है क्यूबिक सेंटीमीटर है आपका इनिशियल प्रेशर कितना है इनिशियल प्रेशर आपका पी वन तो देखो आपका पी वन का प्रेशर दिया आपका कितना दिया है हंड्रेड किलो पास दिया है ठीक है और यहाँ पर भी वन दिया है सिक्स थाउजेंड क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर और जब कंप्रेशन यहाँ पर ला दे रहे तो यहाँ पर पी टू की वैल्यू कितना दिया है पी टू की वैल्यू सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है और देन वी टू का वैल्यू हमारा दिया हुआ कितना टू थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है तो मुझे पहले पूछा है कि पी टू का वैल्यू फाइंड आउट करो और देन क्या थी इसका वर्क फाइंड आउट करो जो कि आपका जो गैस और जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो था जो रिलेशन को फ्लो कर रहा है पी पावर टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसका मतलब हो रहा है कि यह पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस है क्योंकि पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस का जो आपका इक्वेशन होता है पीवी पावर एन इक्वल टू सी और एन इक्वल टू क्या है टू है ओके okay? देन मुझे सबसे पहले P2 की वैल्यू निकालना तो इसके लिए आपका P1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 V2 का स्क्वायर ओके okay? तो P1 का कितना दिया वैल्यू 100 किलो पास्कल दिया है V1 कितना दिया है आपका 600 हंड्रेड सिक्स थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है लेकिन हमको मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है देन इसको टेन पर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और पी टू की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है देन वी टू के वैल्यू क्या होगा तो वी टू जो आपका होगा टू थाउजेंड 2000 क्यूबिक 2000 क्या होगा इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ओके क्योंकि वी टू का स्क्वायर है यहाँ पे तो 2000 और 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर है देन हमको क्या करना है क्यूबिक मीटर करना है देन इसको 10 पावर माइनस -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है और a 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 तो देन देन उसको देन uh, आपका कितना है क्यूबिक में है तो देन आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना टेन पावर सिक्स होगा और इसका भी स्क्वायर हो गया ठीक है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका पी टू का वैल्यू निकल का है कितना नाइन हंड्रेड किलो पास्कल निकल के आएगा ओके नाइन हंड्रेड किलो पास्कल निकल के आएगा उसके बाद हमारा पी टू का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें जो होता है वर्क कितना कंप्रेशन में लगा तो वर्क कंप्रेशन में लगा W स्कल टू इस प्रोसेस को फ्लो कर रहा कैलकुलेट कर लिया सबका वैल्यू को आप पुट करो और आंसर को ओके पी वन के वैल्यू कितना है पी वन वैल्यू आपका हंड्रेड किलो पास कितना है आपका जो भी वन की जो वैल्यू है सिक्स

और नेगेटिव जो शो कर रहा है कि आपका गैस जो होता है वह क्या कर रहा है उस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं ओके तो आपका गैस को जो कंप्रेशन हो रहा है ठीक है अगर प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू